L-35 देख रहे हैं, टेप वॉर्म है, लिवर फ्लू के, ठीक है। एनसीईआरटी में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। प्लेटी L-35 को ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन रहता है, प्लेटी L-35 में ध्यान रखना है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गनाइजेशन होता है, ठीक है। फ्लेम इनके पास फ्लेम सेल होते हैं, फ्लेम सेल क्या करने के लिए होते हैं, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन फ्लेम सेल होते हैं, ठीक है। इन्हें फ्लेट वार्म कहते हैं, इन्हें फ्लेट वार्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी होता है वो डोर्सो वेंट्रली फ्लेटेड होता है, इसलिए इन्हें फ्लेट वार्म कहते हैं, ध्यान रखना है फ्लेट वार्म कहते हैं। ये एंडो पैरासाइट होते हैं, ठीक है, एंडो पैरासाइट होते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है हुक सकर, हुक सकर एंडो पैरासाइट, ध्यान रखना है। इसका एक और एग्जाम्पल होता है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन कैपेसिटी होता है, रीजनरेशन कैपेसिटी, ठीक है, कहीं से काटोगे तो फिर से रीजनरेट कर जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, जो डायरेक्ट होता है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब लार्वल स्टेज होकर जाता है, ठीक है। और हर्माप्रोडाइट होते हैं, ठीक है, इनके मेल और फीमेल सेपरेट नहीं होते, ठीक है, ठीक है, बस यही था।